नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम आप तक गेशंस के अवैध कामों का पर्दाफाश करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपको हमने बताया था कि एनएमसी और एमएसईबी द्वारा गेशंस शोरूम जो सदर में बन रहा है उसको अवैध भू अधिग्रहण का नोटिस मिला था एनएमसी द्वारा। नोटिस देने वाले डिप्टी कमिश्नर एनएमसी प्रकाश वराडे जी से हमने बातचीत की। हमने उनसे क्या बातचीत की पहले आप वो सुनिए। एक्चुअली उसका क्या हुआ, वो गेसन गए क्या उस सदर में नया शोरूम खोलने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन उसके हमारे पास एक कंप्लेंट आई तो हमने उसकी छानबीन किया तो उसने जो बना रहा है वो इलीगल दिखा जिससे हमने उसको नोटिस दिया जिसका पीरियड संडे को ख़त्म हुआ। लेकिन वो अभी उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले थे लेकिन इतने में वो कोर्ट में जाके उसने स्टे लाया। लेकिन जैसे उसका स्टे ख़त्म हो जाएगा हम हमारी तरफ से अपील करेंगे कोर्ट को कि भाई उसका स्टे निकाला जाए और वो हमें उसके ऊपर कार्रवाई करने का ये चाहिए दिया जाए मौका। सर, स्टे के बाद भी अगर कोई ऐसा प्रूफ मिलता है कि वो काम कर रहा है, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध काम कर रहा है, तो इस पर भी आप नहीं तो अभी उसके लिए मैंने मेरे आदमी भेजे अभी इंजीनियर्स, वो एक बार चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे, अगर चालू है तो हम कोर्ट में बता देंगे कि भैया इसको स्टे मिलने के बाद भी ये काम कर रहा है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर गेशंस जैसे लोगों को अवैध तरीके से और अवैध काम करने का सर्टिफिकेट आखिर इन्हें कौन देता है? आखिर ये इतना बड़ा अवैध तरीके से काम कैसे कर सकते हैं? इस संबंध में हमने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया NDTA यानी कि इनसे ही गेशंस ने जमीन लिविंग लाइसेंस तहत इनसे लिया है और उनके सेक्रेटरी जो बिशप कॉटन जो सदर में VCA ग्राउंड है उसके पास स्कूल है बिशप कॉटन, वो बिशप कॉटन की प्रिंसिपल भी है और NDTA की सेक्रेटरी भी है मंजूषा मैम और NDTA के ट्रेजरर, इन दोनों से हमने बातचीत की। वो सवाल पूछने पे क्या कहते हैं वो आप ज़रूर सुनिए। नोटिस तो अभी रिसेंटली आया है। यस, 15 दिन का नोटिस पीरियड था जो कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से। तो जी हाँ जी, और मेरे ख्याल से अभी कोर्ट में अप्लाई किया है। ये आपने कितना स्क्वायर फीट उनको जमीन दिया है गेशंस को? 1900। और अवैध जो उन्होंने भूमि अभी किया है अधिग्रहण किया है तो इस पे आप लोगों ने कोई रुख नहीं अपनाया कि आपने जब जमीन दिया उसको उसके बाद ही उन्होंने वो पोजीशन लिया है एक्स्ट्रा इलीगल पोजीशंस? आप जो बात कर रहे हैं शायद वो शॉप के सामने की बात कर रहे हैं। यस, ईस्ट साइड। जी हाँ, तो वो पार्किंग के फैसिलिटी के हिसाब से वही एरिया उनको अलॉट किया गया है। वो किसने अलॉट किया है? NDTA ने। बट वो तो इलीगल है 1700 स्क्वायर फीट जिस पे NMC का नोटिस आया है, तो आप कैसे अलाउ कर सकते हो? सर, उसी के लिए तो कोर्ट में अप्लाई किया है तो इट विल प्रूफ। दोस्तों, बचपन से सुनते आया हूँ कि इस देश को गरीब किसान और मजदूर वर्ग ने बनाया है, अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है, लेकिन आज भी इस देश में करोड़ों ऐसे गरीब हैं जिन्हें रहने के लिए जगह नहीं, जमीन नहीं है। आज भी अपने परिवार के साथ में वो फुटपाथ पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, आज भी उन पे अत्याचार होते आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ देश के वो लोग जिन्होंने देश को बनाया है, जिनके पूर्वजों ने देश को अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, और एक तरफ दूसरी ओर गेशंस जैसे लोग जो अवैध तरीके से सैकड़ों स्क्वायर फीट जमीन पे ना केवल कब्जा करते हैं बल्कि अवैध तरीके से उस पे काम भी शुरू रखते हैं। NDTA की तरफ से इन्हें 1900 स्क्वायर फीट जमीन दिया गया और लगभग 1900 स्क्वायर फीट ही जमीन इन्होंने अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जो कि सरकारी थी, जिसको नोटिस NMC ने उन्हें दिया था। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया NDTA जिन्होंने जमीन दिया, अब उनसे जब हमने सवाल जवाब किए, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनका क्या रुख होता है, क्या रिएक्शन होता है वो आप जरूर देखिए। और वो दिख रहा है तो आपके इसने ट्रस्ट ने उसका वेरिफिकेशन किया या नहीं किया? सर, ट्रस्ट डिसीजन लेगा ना उसके ऊपर। आपके ट्रस्ट ने उस लैंड का वेरिफिकेशन किया या नहीं कंस्ट्रक्शन के समय? बार बार की मैटर अभी सब्जुडाइज्ड है, वी विल नॉट इंटरफियर, और जब जब मैटर ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का डेफिनेटली NDTA विल टेक। पहले आपने लैंड जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है देने के बाद आपने वहाँ पे सर्वे किया या नहीं, कि उन्होंने उसी इसमें किया है या ज्यादा की जगह ऑक्यूपाई किया है?
आता आपका है ना, मैटर कोर्ट में गया है, वी हैव नॉट इंटरफेयर्ड. आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन हियर विद माय स्टेटमेंट दैट वी विल वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर, व्हाटएवर द कोर्ट गिव्स वी विल अबाइड बाय. आपके बगल में है वो, आपके बगल में है वो. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी को आईना दिखाते हैं या सच बोलते हैं तो उन्हें सच एक्सेप्ट नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो आईना देख नहीं पाते हैं, और ऐसे में उन्हें अक्सर गुस्सा आता है. बिल्कुल, रहने दीजिए. आपको मालूम है, that doesn't mean we will interfere. Once the matter goes to the court, we will not interfere. We will wait for the court order. अच्छा. Yes. आपको दिख ही नहीं रहा है कि एक्स्ट्रा वहाँ पे बांध काम है. वो जो भी होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद आएगा. ट्रस्ट विल सी ना. आप हम दोनों अथॉरिटीज. कौन है आपका ट्रस्ट? हमारा ट्रस्टी है ना. कौन है? चेयरमैन. चेयरमैन है. ट्रस्टीज है. ट्रस्टीज है. कौन है चेयरमैन, नाम बताइए. मालिक को राइट रेवरेंड पॉल दुपारे. पॉल, उसका नंबर दीजिए. हाँ, वो आप उनसे लीजिए नंबर. अरे तो कहाँ अवेलेबल. दोस्तों, ये वही गेसेंस है जिसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया. इनके मालक राहुल अग्रवाल है और इनके पिता जो ब्रजेश अग्रवाल है, तो ब्रजेश अग्रवाल ये वही हैं जिनसे हमने फ़ोन किया और राहुल अग्रवाल यानी कि उनके बेटे का नंबर मांगा था. तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास उनका नंबर नहीं, यानी कि मेरे पास मेरे बेटे का नंबर नहीं है, ऐसा ब्रजेश अग्रवाल जी ने कहा था. ये वही गेसेंस वाले हैं. अभी अहम खुलासे और कई खुलासे अभी बाकी है. धीरे धीरे हर खुलासा हम आप तक करेंगे और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे.